अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। सो फाइनली आज मैं काफ़ी दिनों बाद अपने चैनल पे एक्टिव हुई हूँ और बहुत ही असरदार बहुत ही इफ़ेक्टिव सा एक फेस पैक लेकर आई हूँ, लाइक इसे ब्लीच भी कह सकते हैं आप। तो इसको आपको आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना है एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखना है क्योंकि वीडियो होने वाली है जी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या करना है कि आलू को हमने अच्छे से क्रश कर लेना है एंड टमाटर को भी हमने अच्छे से क्रश कर लेना है और उसका जूस जो है ना वो हमें निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ली है आप लोगों ने देख ली होगी और ये सारी चीज़ें आप लोगों की किचन में हमेशा से अवेलेबल होती है, तो कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली है। बिल्कुल इसको ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है। तो चलिए इसका हम फटाफट से जो है ना वो जूस को निकाल लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने आलू के जूस निकाल लिए थे और अब मैं यहाँ पे टमाटर का भी मैंने जो ना पल्प को अच्छे से निकाल लिया है, अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है एंड आप लोगों को भी इसी तरह से करना है। तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मुल्तानी मिट्टी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। सभी को पता है कि मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, कितना ज़्यादा असरदार है और ये हमेशा से जो है ना असरदार हुआ है। हमेशा से हमारी नानी, उनकी नानी, अम्मी सभी लोग लगाती आई हैं। एंड उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच जो है ना वो बेसन डाला है। बेसन के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। बेसन हमें क्या क्या फ़ायदे देते हैं ये भी आप लोगों को अच्छे से पता है। तो खैर, इसको मैंने दोनों को डाल दिया है, मिक्स कर दिया है एंड उसके बाद मैं एक लेमन ले रही हूँ। लेमन जो है वो स्किन को वाइट करता है और विटामिन सी देता है, तो वो भी तो लेमन के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। टमाटर के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, टमाटर को आप अगर खाते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है एंड लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा काम तो आपको ब्लीच करने में टमाटर काम करता है, आपके स्किन को अच्छे से ब्राइट कर देता है एंड जितने भी डेड सेल्स होते हैं उसको निकाल देता है। तो ये है टमाटर के फ़ायदे एंड आलू का भी बहुत सारा फ़ायदा है। आलू जो है ना आपके स्किन को अच्छे से स्मूथ करता है एंड आपके स्पॉट्स जो होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, ये भी रिमूव करता है। आलू भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है एंड अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको 5 मिनट तक रख देना है ताकि ये जो है ना अच्छे से वो मिक्स हो जाए। और इसके बाद हमने कर लेनी है जी अपने स्किन को क्लीन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रॉ मिल्क ली है एंड थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड स्किन को जो है ना वो क्लीन। तो जी, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड करना कुछ ज़्यादा नहीं है, कॉटन बॉल लेना है और उसके बाद में हमने इसको डिप करनी है और अपने स्किन पे लगा लेना है। आप जहाँ भी चाहें, हैंड्स हो या फिर फेस हो, तो इसी तरह से डिप कर ले, उसके बाद आप अपने स्किन पे लगा ले। जब वो सूख जाए तो उसको अच्छे से धुल ले, वॉश कर ले, तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो फेस हैंड हमारा जो भी है वो क्लीन हो चुका है। अब हम लगाने वाले हैं जी फेस पैक। तो चलिए देखते हैं फेस पैक की क्या हाल है। तो यहाँ पे मैंने फेस पैक जो बना कर रखा था, जो रेमेडी, तो उसको मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था जब तक मैं क्लीन कर रही थी। तो अब देख सकते हैं इसमें जो है ना बबल्स टाइप आ चुके हैं, तो ये काफ़ी असरदार हो चुका है। तो अब हमने इसको अप्लाई कर लेना है। तो एक ब्रश लेना है हमने, या फिर आप हैंड से भी, मतलब ऐसे हाथों से भी लगा सकते हैं अगर आपके पास नहीं, या फिर कॉटन बॉल ले लें आप। तो मेरे पास ब्रश है तो मैं इसी से लगा लूँगी। तो इसको अच्छे से डिप करना है, नहलाना है, उसके बाद अपने हाथों को ब्रश करना है लाइक पेंट कर रहे हो हम। तो इसी तरह से आपको फटाफट कर लेना है जी।
जैसे यहाँ हम अपने हाथों को पेंट कर रहे हो ऐसा लग रहा है ना। तो आपने इसको दो तीन कोट मारना है, ठीक है, एकदम अच्छे से। और जब ये अच्छे से सूख जाए, हाँ इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 10 से 15 मिनट आपको लगने वाले हैं, लेकिन असर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसे इसी तरह से आपको लगा लेना है, एंड उसके बाद आपको इसको ड्राई होने देना है। उसके बाद आपने अच्छे से मसाज करना है, फिर आपने इसको वॉश कर लेना है। तो उसके बाद आप इसको मतलब इसका रिज़ल्ट देखना आप खुद ही जब करना, तभी देखना, तभी आप मुझे कमेंट करके बताना कि वाकई में ये असरदार है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार करें, एक दफ़ा करें और छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने स्किन को अगर ख्याल रखना है तो हफ़्तों में 2 से 3 दफ़ा तो हर चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक ही रेमेडी आप यूज़ करें, एक दिन इसे कर ले, दूसरा दिन किसी और चीज़ कर ले, तीसरा दिन किसी, मतलब हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा बहुत ही ज़्यादा है। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे अपने हैंड को वॉश कर लिया है अच्छे से, और अब आप लोगों को यहाँ पे फ़र्क दिख ही रहा होगा। मेरे हाथों में थोड़ी सी मेहंदी लगे हुए थे, तो ये अच्छे से रिमूव नहीं हुआ था, तो अभी भी इसमें रेडनेस है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप देख सकती हो। देखो मेरा ये हैंड एंड मेरी वो हैंड कितना ज़्यादा असर पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब नज़र आ रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं तो इसको करने वाली हूँ हमेशा से, और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना, मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने इसको ट्राई किया है या नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।